वायकर जी के प्रचार प्रसार में लगे, क्योंकि रविंद्र वायकर जी यहाँ से शिवसेना के प्रत्याशी है, यानी बीजेपी के, और अपना मोदी जी के लिए एक वोट मांगने के लिए आए हैं। तो हम उनके जो एक कार्यकर्ता है शिवसेना के, और वो कार्यकर्ता बोले या नगर सेवक बोले, बहुत बड़े अधिकारी बोले, तो वो उनके प्रचार में निकले हुए हैं और वोट मांगने के लिए निकले। तो हम उनसे जानते हैं कि ये जो इलेक्शन है और वो कैसा चल रहा है, क्या माहौल है। सर अभी माहौल ऐसा हो गया कि हम लोग पहले उम्मीदवार हम लोग का डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो विरोधी पक्ष को लग रहा था कि हम ही हम हैं, लेकिन जैसे वायकर जी की उम्मीदवारी डिक्लेयर हो चुकी है तब से हम लोग का ही माहौल अभी दिख रहा है। सर वायकर जी को कितना जानते हो, किस तरह के आदमी है? वायकर जी बहुत अच्छे आदमी है। सबसे बड़ी बात है कि वो डेवलपमेंट किंग है, उनको डेवलपमेंट अच्छा लगता है। मैं उनको जोगेश्वरी का विकास पुरुष बोलता हूँ, जो ट्रॉमा केयर सेंटर है अपना, SRA को 300 स्क्वायर फुट का जो SRA का एरिया मिलता है उसकी बुनियाद भी वायकर साहब ने रखी है। अपने मुंबई को पहले 90 लीटर पानी मिलता था पर हेड, अभी 135 लीटर पर हेड पानी मिलता है, वो भी जब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे वायकर साहब तभी उन्होंने ऐसा किया है। और वायकर साहब का एक स्वभाव है, कोई भी गरीब से लेके अमीर उनके पास आता है और काम लेके आता है तो अगर वो काम होने लायक है तो जल्दी बोलते हैं काम करके दे दो, ऐसे वायकर साहब स्वभाव है। और ऐसा ही खासदार एक्चुअली उत्तर पश्चिम लोक मतदार संघ में चाहिए, और ऐसा उम्मीदवार हम लोग को सन्मान नरेंद्र मोदी जी और हमारे सन्मान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर अभी जो है ना दो शिवसेना है, एक को असली एक को नकली, कौन असली कौन नकली? तो ये तो ऐसा है जिसके में आप लास्ट टाइम भी मुझे आपने क्वेश्चन पूछा था, जिसके साथ जनता है वो असली है, लेकिन और हिंदू नृत्य सम्राट बाला साहब का धनुष बाण और शिवसेना जिसके पास है वो असली। लेकिन उनका ये आरोप है कि ये जो है अभी वो सब देखो ऐसा है, अभी अभी ऐसा है, अभी अपने को इलेक्शन में ध्यान देना है, कौन क्या कर रहा है, कौन आरोप कर रहा है, उससे हम लोग अभी बहुत आगे निकल गए। हम लोग प्रचार में भी 15 दिन में, वो लोग 3 महीने से प्रचार कर रहे हैं, हम लोग 15 दिन में आगे निकल गए हैं और जीत हमारी निश्चित है। तो यहाँ से जो हम लोग मान लें कि आप जो है कमल खिलाएंगे या फिर एक कमल मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? चलो ऐसा है, अभी धनुष्यबाण हम लोग का चिन्ह है और कमल हम लोग के दोस्त है, बराबर है ना? तो धनुष्यबाण नक्की जीतेगा, 100% जीतेगा और उसका कमल को फायदा होने वाला है। मोदी जी आपके पास 400 पार होने वाला है और महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि 45 सीट हम लोग की आ जाएगी। सर तो आपको अब क्या लगता है कि 300 पार हुआ, इतना कुछ मोदी जी कर किए हैं, बोल रहे हैं कि राम मंदिर बना, 70 हटा, 3 तलाक हटा, सब तीन 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 कर दिया, अभी 400 होगा तो चार चार वाला काम करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है मोदी जी का आपने दो दम काम देखा है, और जो मुंबई हमारे प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने जो देश को एक नाम दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। आप ये बात समझ लो, मोदी जी की विजन आप समझ लो, अभी 400 पार होना है तो उनको कॉन्फिडेंस है, हम लोग भी कॉन्फिडेंट है, इसलिए 400 पार। तो पब्लिक बोल रही है, जनता बोल रही है आपकी बार 400 पार, हम लोग तो नहीं बोल रहे, नेता लोग, जनता बोल रही है आपकी बार 400 पार।